बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल है? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारे नु अपने घर खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो व्यूवर्स देखो, इतने अपना चिकन स्टीम रोस्ट जबरदस्त या तैयार हो गया। देखो किस तरह अंदरों सॉफ्ट मक्खन मलाई तरह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही सॉफ्ट बनिया वा। इनू आप किस तरीके बनाया ये जानने लू वीडियो में फुल देखना पेगा। वीडियो में तुम बिल्कुल भी स्किप ना करियो, तो थोड़ी वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करियो। चैनल पर नवे तो चैनल सबसक्राइब करियो, बैल आइकन जरूर प्रेस करियो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी पहुँच सके। देखो माशाला कितना सॉफ्ट तो बहुत ही जबरदस्त स्टैंडर्ड होया वा। चलो देखते हैं कि आप इन किस तरह बनाया वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आप एक पैन लवेंगे, एक आप मसाला तैयार करेंगे जिदे टेस्ट जरा बहुत ही जबरदस्त आएगा। पैन में पहले आप गर्म कर लेना, हूँ ये काली मिर्च, ये सारिया चीज़ा तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानिया वा। जो तुसी ज़्यादा तिखा पसंद कर दियो तो थोड़ा ज़्यादा कर लियो। यह मैं दो पीसा वास्ते पाइया वा इन चीज़ा। एक चम्मच सुखा धनिया वा, तकरीबन अद्धा चम्मच जीरा सी, ते क्वार्टर चम्मच जिहड़ा वा ना चौथा हिस्सा चम्मच का मेथी, जिहड़े मेथे होंदे ना जिहड़े अचार च पाई दिओ, ते दो सुरख मिर्चा साबत। इन्हों आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे मिर्चा एंड ते तुसी पानिया चुल्हा बंद करके बस जिनी पैन की हीट आ वो ही इन्होंने हीटअप हो जाना वा। तो इन्हों आप कुट लेंगे इस तरह हवन दस्ते, इन तुसी कुंड ग्राइंडर वगैरह च नहीं कुटना पीसना नहीं गा, वो इस तरह ही ग्राइंड ये कुटना वा तुसी इनू। तो यह आप चिकन दे पीस ले आ, दो थाई पीस ने, इन्हों इस तरह आप कट ला लेंगे। बस दो दो तीन तीन कट काफ़ी ने, ज़्यादा कट लाने की जरूरत नहीं। इस तरह कट लाने तो बाद आप थोड़ा जहा घी गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना, सिर्फ आप इन्हों शैलो फ्राई करना, तो इन्हों थोड़े थोड़े फ्राई करना वा, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा जहा कलर चेंज करना वा। तो देखो माशाल्लाह तकरीबन एक तो डेढ़ मिनट बाद यदि आप साइड चेंज कर देंगे। यह देखो बस इन्ना कि आप करना है फ्राई, ये कि होएगा कि टेस्ट सारा ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। फ्लेम थोड़ा फुल होना चाहिए जो तुम इन्हों फ्राई करो, जे लो फ्लेम होया या मीडियम होया तो फिर ना जो चिकन है नाल चिपक जाएगा बर्तन दे। हाँ जी, तो यह जो मसाला आप कुटिया सी ये हम होर थोड़ी जी चीज़ा आप शामिल करांगे। लसन का पाउडर शामिल करांगे क्वार्टर टी स्पून टेबल स्पून, तकरीबन पौना चम्मच चाट मसाले का शामिल कर दिता वा। बहुत ही आसान जे मसाले पाए, सिर्फ घर दिया चीज़ा ने उही पाइया ने। तो थोड़ा जहाँ जीरा शामिल कर दिता भुनिया कुटिया हुआ, सुरख मिर्च शामिल करांगे, हल्दी शामिल करांगे। मैं दो थाई पीस वास्ते इन्ना मटीरियल बना रही हूँ, थोड़े जो ज़्यादा होन तो तुसी क्वांटिटी ज़्यादा कर लियो मसालियां दी। ते अद्धे चम्मच तो थोड़ा कम ही आप नमक शामिल करांगे इहदे विच, अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे। हम ये आप दही शामिल करांगे, दही है देखो मैं पहले उन्होंने छलनी तो रख के तो नीचे को बर्तन रख दिता सी ताकि दही दे विच सारा पानी निकल जाए। जो तुसी एज़ इट ही दही शामिल कर दोगे तो थोड़ा जो बैटर ये बहुत ही पतला हो जाएगा, तो ये फिर ना टिकेगा नहीं चिकन के उपर। थोड़ा दही पहले शामिल करांगे, देखांगे जे कम होया तो फिर होर शामिल करांगे। देखो माशाल्लाह दही थोड़ा बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ये तकरीबन चार चम्मच दही के सीगे वो सारे ये लग गए। हम इन मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके। सबसक्राइबरस तकरीबन पूरे होने वाले आते, तो रिक्वेस्ट है कि जो तुम वीडियो देखो तो नाल एक दो वीडियो होर देख लिया करो ताकि वाच टाइम भी पूरा हो जाए। तकरीबन दो चम्मच ये लैमन का जूस शामिल कर दिता, थोड़े को फ्रैश लैमन हो भी सक्वीज कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं। तो हूँ इन कलर देन वास्ते थोड़ा जहाँ फूड कलर शामिल करांगे क्योंकि मसाले मैं घट पाए आ हल्दी तो मिर्चा वगैरह, तो इसलिए थोड़ा जहा फूड कलर पा लेंगे ताकि कलर जरा वो जबरदस्त आए। तो यह देखो चिकन के पीस अपने तैयार हो गए, ठंडे हो गए। हूँ आप जो बैटर बनाया मिक्सचर जो मसालों का
वो ये उपर कोट करांगे अच्छे तरीके दे नाल। तुसीं इहनू कोट करना ते इस तो बाद कोट करन तो बाद इहनू तकरीबन 3 तो 4 घंटे वास्ते तुसीं इहनू रखना वा, स्टे देना वा। तो जे तुहानू जल्दी है तो फिर कम अज़ कम अद्धा पौना घंटा तो तुसीं लाजमी इहनू स्टे देना वा। तो फिर नैक्सट प्रोसैस जिहड़ा वा वह आपां करांगे। वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करिया जे। अच्छा इतने एक चीज़ थोड़ा दसा कि केंद्र के शादियों वाला टेस्ट हर चीज़ बार लिखा हों तकरीबन तो, लेकिन की गल आपूतों भैनों इस चीज़ का नहीं है कि असी जी चीज़ बनाने वो ज़्यादा मज़ेदार होंगी है साढ़े घर जो तो मैं कितने असी गल करिए ना कि देखो इस तरह लगता वा जिस तरह होटल तो चीज़ आई हुई है तो मेरे हसबैंड कहते होंगे कि होटल वाले की गल बहुत सोहनी बनाते उन्होंने उदा इन्ना सफाई का ख्याल किया हों तो उहदे नाल बेहतर घर च चीज़ बनती है। तो इसलिए अपने टेस्ट से ना जरा थोड़ा जिहा भरोसा रखिया करो कि असी जिहड़ी चीज़ बनाई है वो अच्छी बनी है। हुण आपां बर्तन दे विच पैन रखांगे स्टैंड, स्टैंड दे विच आपां पानी शामिल कर दिता वा बर्तन दे विच, ते पानी इन्ना खोना चाहिए वा कि ये थोड़े पीसां नूं टच ना करे जदों बॉयल आवे उहनूं। तकरीबन 1.5 इंच नीवा ही होना चाहिए, अद्धा 1 इंच तो लाजमी तुसीं उहनूं नीवा रखना वा, 1 इंच भी हो सकता वा, उस तों ज़्यादा कम ना करियो नहीं तो फिर उस स्टीम जिन्नी देर तक इन्हें होना वा पानी खुश्क हो जाएगा। 2 गिलास मैं पानी दे शामिल किए हैं तो उपर चिकन के पीस रख दिए हैं। तो हुण इहनू आपां जिहड़ा वा लिड ला देंगे स्टीम होने वास्ते, इहनू रख देंगे। तुहानूं मैं दस्सदी हां कि इहनू आपां किन्ना टाइम वास्ते स्टीम किया सी। तो यह देखो मैं ये चाहती तो मैं ये वाला पार्ट इतों कट भी सकती सी लेकिन मैं कटिया नहीं क्योंकि तुहानूं दिखाउण वास्ते कि यह देखो मैं इहदी ना स्टीम बंद करन वास्ते इहदे उपर रखिया सी कपड़ा, तो शायद एहतियात ने मैं देखा तो सी लेकिन पता नहीं ख्याल नहीं रहा एक साइड तो उन्हूँ अग पै गई, इन्ना शुक्र है मैं कोल ही सी उन्हें मैं फिर उतार दिता। जो भी कपड़ा रखो तो उन्होंने ख्याल नाल चारों तरफ पहले देख लो कि कवर हो गया या नहीं हो गया, तो फिर मैं उन्होंने उतार दिता सी। तो मैं उस तरह ही जरा सुराख सीगा उहदे विच एक लौंग दे के सुराख बंद कर दिता ताकि स्टीम बाहर ना आवे, तो उपर मैं वजन रख दिता सीगा। तो यह देखो माशाला पूरे 40 मिनट तो बाद जबरदस्त जहा चिकन अपना टेंडर हो गया, बहुत ही मज़े दियाँ खुशबूआं आ रही ने। चलो हम आप इन्हें डिश आउट करते हैं तो फिर मैं थोड़ा चैक करवानी हूँ कि विचों कितना सॉफ्ट तो मक्खन मलाई तरह का बनया वा, नरमो मुलायम बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी है। देखो जो पानी थोड़ा ज़्यादा होंगे ना ये तो फिर ये उपरों कोटिंग उतर जानी सी, देखो माशाला कोटिंग नहीं उतरी जो बॉयल आता ना नीचों तो फिर पानी उपर तक आता वा तो चिकन टच करेगा तो पानी जरा वा फिर उसकी कोटिंग उतर जाएगी। यह देखो माशाला जबरदस्त जहा बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट अपना तैयार हो गया वा। इनू आप घर के मसालों तैयार किया वा तो अपनी ही तकनीक के नाल तैयार किया, तो देखो माशाला बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं गा तो ना ही विचों कच्चा वा। देखो माशाला बहुत ही जबरदस्त। तुहानू वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करे जे, चैनल पर नवे आ तो चैनल में सबसक्राइब करके जाए जे, नाल बैल आइकन जरूर प्रेस करे जे ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी नाल पहुँच सके। मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो, उद तक लिए अल्लाह हाफिज़।